नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फरीदाबाद में दीपावली के अवसर पर हवाई फायर करता नजर आया बीजेपी का नेता। हवाई फायर करते हुए वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल करके फेसबुक अकाउंट से वायरल भी कर दिया। वही मीडिया के संज्ञान में मामला आने के बाद पुलिस ने दिया कार्रवाई का आश्वासन। डीएसपी धर्मवीर पुनिया का कहना है कि व्यक्ति की पहचान की जाएगी और उसके बाद जांच शुरू होगी। उन्होंने कहा कि जुर्माना और लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। पल पल फरीदाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। फतेहाबाद में दीपावली के अवसर पर बीजेपी के नेता अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से जमकर हवाई फायर किए। इतना ही नहीं, नेताजी ने फायरिंग करते हुए खुद का वीडियो भी बनवाया, जिसके बाद उसे अपने फेसबुक अकाउंट के जरिए सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। खुद का खौफ पैदा करने के लिए नेताजी लगातार हवाई फायरिंग करते हुए नजर आए। फायरिंग करने वाले इन नेता का नाम गुरमुख सिंह है, जो कि करीबन 6 महीने पहले ही इनेलो छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए। फिलहाल ये नेताजी बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला के खासम खास माने जाते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान भी गुरमुख सिंह सुभाष बराला के साथ चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। सोशल मीडिया में गुरमुख सिंह की हवाई फायर करते हुए वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस इस मामले की जांच में लग गई। डीएसपी धर्मवीर पुनिया ने बताया कि मीडिया के माध्यम से ये मामला हमारे संज्ञान में आया। कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति इस प्रकार से फायरिंग नहीं कर सकता, क्योंकि एक प्रकार जुर्म है। इसको लेकर वीडियो की व्यक्ति की पहचान की जाएगी, जिसके बाद नेता की गन का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट। ये आपके माध्यम से जो है संज्ञान में आया है, वैसे इस तरह कोई आदमी सरेआम फायरिंग कर रहे तो इसके संबंध में है जो है वेरीफाई किया जाएगा कि ये जगह कहाँ की है, ये आदमी कौन है, और उसके हिसाब से जो है अपने असले से जो है फायर आर्म जो है उससे मतलब उससे हम फायरिंग नहीं कर सकता। और किसी भी जैसे ऐसे किसी व्यक्ति की जान को खतरा हो जाए, तो लगने का अंदेशा हो, तो उस हिसाब से जो हम कार्रवाई की जाएगी। तो पहचान की जा रही है जी? हाँ, इसकी पहचान की जाएगी। आप ये पता चल गया देखिए कौन आदमी है, जगह कौन है। तो क्या वैसे कार्रवाई क्या रहती है इसमें जी? इसमें यही है, अगर कोई आदमी को कोई खतरा है, फायर आर्म कर रहा है, तो इसे तो लाइसेंस वगैरह रद्द भी हो सकता है। लाइसेंस रद्द हो जाएगा, वैसे चेक भी किया जाएगा। एक मिनट चलो। हाँ 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 जी हाँ चलो। एक मिनट चलो। हाँ 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 जी हाँ चलो। एक मिनट चलो। ये आपके माध्यम से जो है अमर संज्ञान में आया, वैसे इस तरह कोई आदमी सरेआम फायरिंग कर रहे हैं, तो इसके संबंध में है जो है वेरीफाई किया जाएगा कि ये जगह कहाँ की है, ये आदमी कौन है, और उसके हिसाब से जो है अपने असले से जो है फायर आर्म जो है उससे मतलब उससे हम फायरिंग नहीं कर सकता। और किसी भी जैसे ऐसे किसी व्यक्ति की जान को खतरा हो जाए, तो लगने का अंदेशा हो, तो इस हिसाब से जो हम कार्रवाई की जाएगी। तो पहचान की जा रही है जी? हाँ, इसकी पहचान की जाएगी। आप ये पता चलेगा देखिए कौन आदमी है, जगह कौन सी है। तो क्या वैसे कार्रवाई क्या रहती है इसमें जी? इसमें यही है, अगर कोई आदमी को कोई खतरा है, फायर आर्म कर रहा है, तो इसे 25 है, तो लाइसेंस वगैरह रद्द भी हो सकता है। लाइसेंस रद्द हो जाएगा, वैसे चेक भी किया जाएगा।